तुम सब यहाँ इकट्ठे हो जाओ। हम फिर से हार गए क्योंकि तुम सब ढीले पड़ गए थे। आज तुम सभी ने बहुत बुरी तरह से खेला। देखो वहाँ। स्कोर 21-3 रहा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आज हम लगातार तीसरी बार हार गए हैं। तुम सबको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर तुम अगले मैच में अच्छा नहीं खेले तो तुम्हारा कबाड़ा कर दूंगा। मुझे वाकई बहुत गुस्सा आ रहा है। स्ट्राइक! Yeah, strike two. बच्चू इस बार तो समझो तुम हार ही गए। ये लो। मैं पकड़ लूंगा। अरे ये लो। तुम सब किसी काम के नहीं हो। तुम जैसे की वजह से मुझे उनसे हारना पड़ा। मुझे तुम लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अब तुम्हारी पिटाई होगी। डर के भाग गए सबके सब। छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। एक एक को देख लूंगा। क्या समझते हैं वो मुझे? जरा उनको पता तो चल जाए कि जियान आखिर किस चीज का नाम है। एक एक को चुन चुन के मारूंगा। याद रखना। क्या फिर से? हाँ फिर से जियान। मुझे डर लग रहा है। थोड़ी देर के लिए मैं बाहर नहीं जाऊंगा। जियान की नाक पे हमेशा गुस्सा चढ़ा रहता है, इसीलिए सब उससे नफरत करते हैं। ओके, मैं बाहर जा रहा हूँ। पर कहाँ? थोड़े से पीन जैम केक्स लेने। डोरेमोन, तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं। चुप रहो। जियान से नोबिता के सारे दोस्त डरते हैं, पर मुझे उससे बिल्कुल डर नहीं लगता। हे, तुम रुको। जियान, मुझे बस अपने काम से मतलब रखना है। मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा जियान, मुझे जाने दो। मुझे तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा चेहरा? तुम्हारा गोल चेहरा मुझे बॉल की याद दिलाता है, समझ गए? एक बॉल? बॉल से मुझे याद आता है बेसबॉल, और उससे मुझे वो 21-3 का घटिया स्कोर याद आता है। ये सब सोच के मुझे बहुत गुस्सा आता है। देखा, मैंने कहा था ना बाहर मत जाना। हाँ तुमने मुझे कहा तो था, लेकिन लेकिन क्या? आखिर हम आज इतनी बुरी तरह हारे, इसलिए तुम्हें जियान के सामने बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। मैं बाहर जाऊंगा। मुझे अभी सिर्फ बीन जैम केक्स के बारे में सोचना है। हाँ? ये है एंगर ट्रैकिंग चार्ट। अरे ये क्या है? इसे यहाँ से ऑन करते हैं। जियान जनरल स्टोर पर है। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वो उस दुकान से निकलकर अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है। कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब हमें उस तरफ जाना चाहिए। डोरेमोन, इसमें कोई खतरा तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं नोबिता, ये मैप हमें गुस्से वाले इंसान का रास्ता बताता है। अब किसी भी इंसान का पता लगाना कितना आसान है। ओह, उसने रास्ता बदल लिया। इसका मतलब उससे बचने के लिए हमें इस तरफ से जाना होगा। थैंक यू वेरी मच। हम्म,
जियान यहाँ है, हमें इस तरफ जाना चाहिए। मैं अपना गुस्सा किसी पर निकालना चाहता हूँ, एक बार कोई मेरे सामने तो आ जाए। देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये अच्छा है, क्या ये तुम मुझे दे दोगी? ठीक है, पर तुम इसका गलत इस्तेमाल मत करना। मुझे पता है। जियान वहाँ अकेला खड़ा है, लगता है वो मुझे ही ढूंढ रहा है। यहाँ कोई नहीं है, उसे मैं यहीं लाकर पीट डालूंगा। आज नोबिता की अच्छे से धुलाई होगी। मैं अभी उसे ढूंढ निकालूंगा। हे नोबिता। हाँ, हाय सुनियो। तुम बाहर कैसे घूम रहे हो? जियान ने देख लिया तो तुम्हें बहुत पीटेगा। नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे पास ये जो है। ये क्या है? अच्छा, इससे तुम जियान की पोजीशन का पता लगा सकते हो। ये तो बहुत अच्छा है। मैं ये बात जानता हूँ। अरे नोबिता प्लीज, क्या तुम डोरेमोन से पूछोगे कि वो मुझे भी एक दे दे? प्लीज प्लीज। शायद नोबिता के अलावा दूसरे भी जियान से पिटते हैं। क्यों, ठीक कहा ना? और मैं ये जानता हूँ कि इस मैप को लेकर सभी खुश होंगे। बिल्कुल ठीक। पर डोरेमोन। फिजुका। डोरेमोन की तरफ से। क्या ये एंगल ट्रैकिंग चार्ट है? थैंक यू। अब हम बिना चिंता घर के बाहर निकल सकते हैं। हाँ, तुमने सच कहा। ओ, वो इस तरफ आ रहा है, चलो चलो चलो। कहाँ चले गए? मैंने तो सोचा था कि वो लोग यहीं कहीं आसपास ही होंगे। ये सब क्या हो रहा है? जियान का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो अभी भी मुझसे काफी दूर है। मुझे अब कोई चिंता नहीं। उसने रास्ता बदल लिया, वो बहुत तेज चल रहा है। रुक जाओ सुनियो, मैं कहता हूँ रुक जाओ, आज तुम नहीं बचोगे। अरे सॉरी जियान, सॉरी, मुझे छोड़ दो प्लीज। आखिर मैंने एक को तो पकड़ ही लिया, बाकी सारे कहाँ हैं? वो हम सब के पास ये है। क्या, नोबिता ने कहा? हाँ, इसी की वजह से तुम हम सबको नहीं पकड़ पा रहे थे। सच सच बताओ, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो, है ना? बताओ सुनियो। असल में मैं गलती से तुम्हारी तरफ आ गया था, मैंने उसमें देखा नहीं। ये नोबिता। ओ, जियान का तो गुस्से के मारे खून खौल रहा है। ओ, वो इसी तरफ आ रहा है। मैं शिजुका के घर छुप जाता हूँ, यही ठीक रहेगा। वो मेरे पीछे आ रहा है, मैं इस तरफ चला जाता हूँ। शिजुका! क्या वो नहीं है? वो आएगी तो मैं उसे बता दूंगी कि तुम आए थे, ठीक है? थैंक यू आंटी, अब मैं क्या करूं? ओह, वो मुझे बस पकड़ना ही वाला है, मैं कहां छुपूं? रुक जाओ, तुम इस तरफ नहीं आ सकते, दूसरी तरफ से जाओ। नोबिता, तू तो गया। आ, 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 आ,
नोबिता ये मत सोचना कि आज तुम मुझसे बच पाओगे। ए ऊपर वाले मुझे बचा ले। ए जियान। ओ, हेलो सर। मैं तुमसे मिलना चाहता था, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। देखो जो तुमने वो टेस्ट दिया था ना, तुमने उसमें बहुत अच्छे अंक पाए हैं, पूरे 100 में से 100 मार्क्स। क्या सचमुच सर? हाँ। ओह, जियान का गुस्सा कम होता जा रहा है, बल्कि अब वो बिल्कुल गुस्सा नहीं है। और देखो आगे से भी इसी तरह मार्क्स लाना। हाँ बिल्कुल सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नोबिता डरने की कोई बात नहीं है, बाहर आ जाओ, मौसम बहुत अच्छा है। अगर तुम्हें पढ़ाई में मेरी कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। टीचर मुझसे काफी खुश हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ाई में तेज हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, मैं बच गया। क्या कहा? कुछ नहीं जियान। आज मैं खुद को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ, मैं स्कूल में सारे सब्जेक्ट्स में टॉप करूँगा। तुम देखना, मैं तुम सबसे पढ़ाई में कोसों आगे निकल जाऊँगा। बेस्ट ऑफ लक जियान। मेरे ख्याल से नोबिता मुझे अब घर जाके पढ़ना चाहिए, कैसा आइडिया है? ये तो अच्छा आइडिया है। ये बॉल किसने मारी? ओह नहीं। नोबिता। क्या हुआ? आज का फाइनल स्कोर क्या था बताओ। फाइनल स्कोर 21-3 था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं नोबिता। ये दोनों फिर शुरू हो गए। अब मैं क्या करूं? नोबिता रुक जाओ। नोबिता, नोबिता रुक जाओ। नोबिता सुनो मेरी बात को, सुनो। डोरेमोन मेरी मदद करो। तो बताओ तुम सबको मेरा नया फैदर प्लेन कैसा लगा? ये बहुत ही हल्का लगता है। सही कहा नोबिता, ये फैदर की तरह हल्का है, इसी वजह से ये प्लेन धीरे और ज्यादा देर तक उड़ सकता है। तुम क्या कर रहे हो नोबिता? अगर ये प्लेन टूट जाता तो? मैंने तो सिर्फ चीख मारी थी। फैदा प्लेन फैदा की तरह हल्का होता है, इसलिए हल्की सी हवा से उड़ जाता है। तुम तो इतनी जोर से छींके। सॉरी। ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, निकलो बाहर। सुनियो भी खामखा गुस्सा हो गया, पर वो फैदर प्लेन बहुत अच्छा था, मुझे भी एक ऐसा ही प्लेन चाहिए। फैदा प्लेन? एक भी नहीं है। है ना सर, तुम्हारे पास एक है? हाँ। फेदर प्लेन। तो ये है फेदर प्लेन? हाँ यही है, तुम इसे आसानी से चला सकते हो, ये बहुत हल्का है। वाह, बढ़िया है। तुम रबर बैंड को इस तरह घुमा सकते हो। या, आ, आ। एक और खास चीज है, फेदर गॉगल्स। इसे पहन के तुम फेदर प्लेन चला सकते हो। ये लो, इसे पहनो। मैं तैयार हूँ। जरा प्लेन तो चलाओ। बढ़िया। नोबिता, क्या हुआ? मेरा एक काम कर दोगे प्लीज? बाजार जाकर कुछ सब्जी और फल खरीद कर ले आओ। मॉम तो हर वक्त मुझे काम देती रहती हैं। मैं अपना फेदर प्लेन राइड करना चाहता था। अब शिकायतें करना बंद करो और अपने फेदर प्लेन में जाओ। हाँ ठीक है। अब
मैं प्लेन में बहुत मजे करूंगा। उड़ने के लिए तैयार हो? बिल्कुल। अब जरा वो रेड बटन दबाओ। क्या? रेड बटन? दबा दिया। प्रोपेलर घूम रहा है। टेक ऑफ। ये प्लेन तो उड़ने वाला है। बाय नोबिता, सी यू। मैं जा रहा हूँ। वाओ वाओ, इस प्लेन ने तो बैम्बी कॉप्टर को भी पीछे छोड़ दिया। अपना ख्याल रखना नोबिता। वाओ। क्या मेरा फैदर प्लेन अच्छा नहीं है? ये मेरे अंकल सुने कीची ने मेरे लिए बनाया है। वो बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने ये फैदर प्लेन बहुत सारी एग्जीबिशंस में भी दिखाया है। हाँ? नोबिता, नोबिता रुक जाओ। ये नोबिता है। हाँ? हाँ? मुझे लगता है ये प्लेन नोबिता ने जरूर डोरेमोन से ही मांगा होगा। उन्हें जलन हो रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये प्लेन इतना धीरे क्यों उड़ता है। ओ, लगता है तूफान आ गया। ओ नो, मैं आगे नहीं जा सकता। अगर मैं आगे गया तो मैं लेट हो जाऊंगा, फिर मुझे मॉम से डांट पड़ेगी। मैं इसे किसी सेफ जगह पर लैंड कर लेता हूँ। मैं घर भाग कर जाता हूँ। नोबिता भी अब पता नहीं कहाँ रह गया। हाँ? सॉरी, मैं लेट हो गया। ओ, पहले ये बताओ कि इतनी देर हुई कैसे? वो मैं प्लेन से जो गया था। प्लेन से? नोबिता कितना लेट हो गया? हाँ? अरे नोबिता, मेरा फैदर प्लेन कहाँ है? वो तो मैदान में है। तुम्हें उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। हाँ? देखो जी, अरे ये कैसा प्लेन है? ये तो उड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। नोबिता, ये कैसा प्लेन है? ये तो उड़ता ही नहीं है। देखा तुमने? हाँ देखा। अरे वो प्लेन तो टूटा हुआ है। झूठे नंबर वन। टूटा हुआ? ये कितना बोरिंग है। चलो घर चलते हैं। शिज़ुका, इसे पहन लो। अगर तुम इसे नहीं पहनोगी तो तुम प्लेन में नहीं उड़ पाओगी। ओह, ये बात है। अब क्या ये ठीक है? ये, हम चले। ये। वाओ। मेरा प्लेन कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत तेज है। और ऊंचाई पर जाने से प्लेन तेज चलेगा। ठीक है, हम और ऊंचाई पर जाएंगे। नोबिता ने हमसे झूठ बोला। उसने हमें धोखा दिया है। वो देखो, जियान और सुनियो। नोबिता, जरा यहाँ तो देखो। रुक जाओ। माफ करना, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। बाय बाय। रुक जाओ नोबिता, रुक जाओ, हमें धोखा देके ऐसे नहीं जा सकते। रुक जाओ, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। शायद इसकी रबर बैंड टूट गई। क्या करें नोबिता? हमें सेफ लैंडिंग करनी होगी। स्कूल के पीछे की जगह सही रहेगी। ठीक है। मैं रबर बैंड को फिर से घुमाता हूँ। नोबिता, तुमने हमें धोखा दिया था। हाँ, अब तुम इसे चलाओ। ठीक है। ये घूम रहा है, अब ये उड़ेगा, मजा आएगा। चलो चले। हाँ। जियान चला उड़ने अपने उड़न खटोले में।
उसका उड़न खटोला है सबसे न्यारा सबसे प्यारा। उड़ेंगे आज हम बादलों के बीच। जियान चला उड़ने अपने उड़न खटोले में। तो उड़ ही नहीं रहा है। अरे ये क्या? हे नोबिता, बताओ ये प्लेन उड़ता क्यों नहीं है? तुम इस प्लेन को उड़ाते कैसे हो? शायद ये फेदर प्लेन फिर से टूट गया है। हाँ, हाँ। मजाक मत करो, ये पहले उड़ रहा था। हाँ? जियान वो देखो उनके गॉगल्स, शायद ये प्लेन उसी की मदद से उड़ेगा। उन्हें पता चल गया। मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये बेकार है। कोई बात नहीं, मैं इन बेकार गॉगल से ही काम चला लूंगा। हे देखा, हे ये प्लेन तो अब अच्छी तरह उड़ रहा है। इन दोनों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। नोबिता की छींक की वजह से हम इस तरह गिर गए। हाँ। 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 हाँ।